सो हेलो एवरीवन गुड इवनिंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस टॉपर आ रही होगी सभी तक एक बार कंफर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि रहने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि और पहले तो मैंने प्लान किया था इंटरनेशनल और नेशनल दोनों एक ही में करवा दूंगा बट हो नहीं पाएंगे दोनों एक साथ क्योंकि थोड़े से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो वही आज की क्लास में करेंगे फिर अगली क्लास में हम लोग करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैप्पी धनतेरस सभी को उम्मीद करते हैं सभी की खरीदारी हो चुकी होगी है ना और अभी थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं उसके बाद कल और परसों अच्छे से दिवाली मनाइएगा और हाँ कल भी वैसे क्लास होगी आपकी ठीक है तो ऐसे छोटी सी क्लास हो जाएगी आपकी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उन्हीं की ठीक है गुड इवनिंग सभी को सौरभ सोनिया साहिल। चलिए तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर होंगी और स्टार्ट करते हैं भी वीडियोस अनहाइट कर दीजिए वीडियोस का देखो है, ऐसा है बहुत लोगों को पता है कि वीडियोस क्यों हाइड होती हैं ठीक है ये बैच की वीडियोस हैं जो मैं फ्री लाइव लेता हूँ ताकि आप लोग वो कर सकें अब वही होता है ना कि पहले बोला कि थोड़ा सा सर थोड़ा सा बैठने की जगह तो थोड़ा सा बस थोड़ा सा थोड़ा सा बैठना है धीरे 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 पूरी सिटी घेर ली निकलो अब यहाँ से है ना तो वो मत हाल करिए कि यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि ठीक है फ्री रहेगी वीडियो आधे घंटे तक फ्री रहेगी अभी इतना देर अभी सर ए, ऐसा नहीं है अभी मैंने पूरी रात भर फ्री वीडियो रहती है अब रात भर नहीं वो जो तीन वीडियोस के लिए मैंने बोला था कि वो डेली प्लेस एग्जाम तक फ्री रहेंगी जो कि क्लासिकल आपका डांस था फोक डांस था और फेस्टिवल था अभी क्या है कि रात भर नहीं सर चौबीस घंटे तक इसको फ्री रखो ठीक है तो वो वाला हाल मत करिए है ना तो जो चीज़ मिल रही है फ्री में फ्री में वो आपको डेली प्लेस के लिए वो मिल ही रही है ठीक है ये क्या है पेड लेक्चर्स हैं जिन लोगों को नहीं पता तो अभी ये है कि वो जो पिछले वीडियोस हैं जिसने नहीं अनफॉर्चुनेटली नोट्स बना पाए तो उसको मैं पब्लिक कर दूंगा रात भर के लिए रात भर के लिए भी आ, पब्लिक रहेगा ठीक है फिर मॉर्निंग कोई प्राइवेट हो जाएगा बाकी कल से जैसे पहले रहता था आधे घंटे तक वैसे ही रहेगा ठीक है चलिए तो खैर अभी स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखेंगे यूनाइटेड नेशंस यू क्यों क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस अब जो यूएन है यू ऐसा नहीं कि आ, ऐसे ही मतलब बन गया सबसे पहले नहीं इसका एक बोल सकते हैं फोर रनर है इसका एक फोर रनर ऑर्गेनाइजेशन है फोर रनर मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाता हूँ आत्मीय सभा अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी तो आपने पढ़ा होगा आत्मीय सभा बना था अठारह से पंद्रह में वही बड़ा होकर बाद में ब्रह्मो समाज बना दिया राजा राम मोहन राय जी ने तो वैसे ही यूनाइटेड नेशंस जो है पहले एज अ लीग ऑफ नेशंस बना था लीग ऑफ नेशंस बना था ये कब नाइनटीन में 1919 में एक ट्रीटी हुई थी उस ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलस ट्रीटी ऑफ वर्साइलस हुई थी ये। और इस ट्रीटी में ही लीग ऑफ नेशंस बना था और इसी ट्रीटी में आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जरा यह बताएंगे कमेंट में कि हम लेबर डे कब मनाते हैं जल्दी से कमेंट में ठीक है तो ये फोर रनर लीग ऑफ नेशन उन्नीस सौ से बना लेकिन यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो ये जाके बनता है इन द ईयर 1945 एक कॉन्फ्रेंस होती है उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस या फिर यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कॉन्फ्रेंस होती है इन द ईयर 1945 1945 में और एक चार्टर प्रेजेंट किया जाता है यूएन चार्टर ऑफ 1945 जो कि एक फाउंडेशनल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन के सेट को बनाने की 1945 में ये बनता है टोटल 50 कंट्रीज 50 देश इसको साइन करते हैं इनको 50 फाउंडिंग कंट्रीज भी बोलते हैं इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड था ठीक है लेकिन कहीं कहीं पे आप 51 भी देखोगे बिकॉज जब साइन हुआ था तो एक्चुअल 50 थे बट बाद में एक और कंट्री ने साइन किया था इसको उसको भी हम फाउंडिंग मेंबर ही बोल देते हैं और वो था पोलैंड तो वैसे एक्चुअल में 50 था बट बाद में पोलैंड भी जुड़ गया तो कहीं पे 50 और कहीं पे 51 भी आपने भी देखने को मिलेगा थोड़ी पहले हम आगे बढ़ने से पहले यूनाइटेड नेशन की चर्चा कर लेते हैं जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका लोगो के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और इसका जो नामकरण है यानी कि ये नाम किसने दिया था यूनाइटेड नेशन तो सबसे पहले अगर हम हैडक्वाटर्स की बात करें तो न्यूयॉर्क में है कहाँ पर हेडक्वाटर इसका न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क में भी कहाँ मैन में वैसे तो ये पूछता नहीं है ज़्यादा मैन न्यूयॉर्क ही पूछेगा अगर पूछेगा तो बट फिर भी अगर पूछ ले तो लोगों की अगर बात करें तो लोगों में हमें एक दिखता है अर्थ या फिर ग्लोब बोल सकते हैं है ना एक अर्थ की पिक्चर रहेगी ग्लोब रहेगा ऐसे सेंटर में और यहाँ पे आपने देखे होंगे इस तरह से पत्ती यहाँ पे मैंने पिक्चर तो नहीं लगा रखी लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे नहीं देखा होगा तो देखिएगा बाद में जाके कि यहाँ पे सेंटर में होता है ये ग्लोब और इसके दोनों अ, मतलब अगल बगल में होती हैं ऑलिव ब्रांचेस अगल बगल में होती हैं ऑलिव ब्रांचेस ऑलिव इसको हिंदी में जैतून बोलते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऑलिव की ब्रांचेस रहती हैं ठीक है और नामकरण अगर बात करें कि यूनाइटेड नेशन ये नाम किसने दिया था फ्रैंकलिन हम्म फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति थे ठीक है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये जो टर्म है ठीक है यूएन जो टर्म है वो इन्होंने ही दिया था प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि सेक्रेटरी जनरल कौन है यूएन के सेक्रेटरी जनरल तो ये है अंटोनियो टोनियो ग्यूटेस जो कि किस कंट्री से है? जरा बताएंगे कॉमेंट में यहां पर मैंने लेबर डे पूछा था फर्स्ट मे को मनाया जाता है एंड जो अंटोनियो ग्यूटेरस है ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं इज अ पॉर्तुगीज अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशन के एक कॉम्पोजिशन किस तरह से इसका यूनाइटेड नेशन का तो यूनाइटेड नेशन का जो अगर हम बात करें कॉम्पोनेंट्स ऑफ यू एन कॉम्पोनेंट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस तो इसके टोटल छः कॉम्पोनेंट्स हैं सिक्स कॉम्पोनेंट्स हैं ये सिक्स कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं एक तो है हमारा यू यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और एक्चुअल में ये जो सेक्रेटरी जनरल के भी मैं बात कर रहा था एंटोनियो जो ग्यूटेरस हैं इनको यही अपॉइंट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ठीक है तो जनरल असेंबली हो गई और इसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं जिस जिन्होंने इसको इसको साइन कर रखा है ऑल यूएन एन मेंबर एकमात्र ये संगठन है यूनाइटेड नेशन के अंदर जिसके सारे देश इसका हिस्सा हैं जो यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं अगर हम बात करें यूएन में टोटल कंट्रीज की अगर हम बात करें यहां पर लिख दें चलो तो टोटल कंट्रीज की अगर बात करें तो 193 हैं 193 है एक और ये सारे देश 193 के 193 कंट्रीज यू का भी पार्ट है ठीक है ऑल यू कंट्रीज इसका पार्ट है और ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के अंदर जिसके सारे कंट्रीज पार्ट हैं सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यू ठीक है मैं यू का फुल फॉर्म नहीं लिख रहा लिख रहा हूँ आप आई होप सभी को पता है यूनाइटेड नेशन है ना इतना तो सिक्योरिटी काउंसिल इसके मात्र पंद्रह देश ही मेंबर्स हैं अभी तक तो मैंने सच कोई क्वेश्चन नहीं देखा है कि इनकी मेंबर कंट्रीज में के एग्जाम में जो पूछा गया हो बट यू एन जी ए के संबंध में आप याद रखना कि सारे यूएन कंट्रीज इसका मेंबर हैं, बट लिख दिया अगर पूछ ले तो आपको रिकॉल वहां पे हो जाए ठीक है थर्ड अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये है यहां पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ठीक है चौथा है हमारा यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल और पांचवा कौन बचा हमारा पांचवा बचा यूएन का जो सेक्रेटेरिएट है ठीक है सेक्रेटेरिएट और छठा है हमारा छठा यहां पर लिखते हैं चलो यहाँ पे लिख दे देते हैं आई सी जे इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अब ये जो आई है ना ये है आपका जैसे कि अभी मैंने बताया यूनाइटेड नेशन का फोर रनर था लीग ऑफ नेशंस पहले उन्नीस सौ से बना था लीग ऑफ नेशन वही जा, बाद में जाके बनता है यूनाइटेड नेशन 1945 में ठीक है और आईसीजी जो है वो एक तरह का सक्सेसर है किसका पीसीआईजे परमानेंट कोर्ट फॉर जस्टिस पीसीआई जी स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1920 1920 नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट आईसीजी का जो हेड क्वार्टर है वो द हेग नेदरलैंड में है ठीक है इसका हेड क्वार्टर हेडक्वार्टर पे है हेग नेदरलैंड्स में इसका हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ठीक यहां तक हमारी चीजें होती हैं खत्म अब हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें यूएनएससी हो सकता है कि आपने यूएनएससी यूएनएससी सुना हो न्यूज में काफी ज्यादा क्यों क्योंकि इंडिया को चाहिए यू की आपने यहाँ सुना होगा इसको कि इंडिया वांट्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ़ यू इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना है यून का लेकिन एक कंट्री है जो इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने में टांग टांगाया रहता है आप गेस कर सकते हैं हो सकता है कुछ लोग गलत गेस कर लें मुझे पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा तब आप हो सकता है कि सही गेस कर लें एक थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूं तो सबसे पहले यूनएससी में अगर हम बात करें तो टोटल पंद्रह मेंबर होते हैं ठीक है इसमें से जो पांच होते हैं वो परमानेंट मेंबर होते हैं यानी स्थाई सदस्य होते हैं यानी कि ये रहेंगे ही रहेंगे मेंबर और बाकी के दस चेंज होते रहते हैं बाकी के जो टेन कंट टेन मेंबर कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट है। हैं। नॉन परमानेंट हैं इंडिया इज़ अ नॉन परमानेंट मेबर अभी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया आठ बार टोटल अभी मैं आप चलो वो चीज़ बताऊँगा लेकिन पहले परमानेंट मेम्बर देख लेते तो इंडिया परमानेंट मेम्बर नहीं है यही तो पूरी हमारी लड़ाई है कि हमें परमानेंट सीट चाहिए एक्चुअल में बोला जाता है कि इंडिया को परमानेंट सीट ऑफर हुई थी दो बार ऑफर हुई थी लेकिन नेहरू जी ने उसको ठुकरा दिया अब पहले तो मैं बता देता हूँ हैं कौन 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 सी कंट्रीज़ है तो ऐसे याद रखो इन कंट्रीज़ को कि बी एफ जो है वो कार में बैठा हुआ है मतलब बेस्ट फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कार में बैठा हुआ है है ना तो बी से है ब्रिटेन ठीक है एफ से है यहां पे फ्रांस ब्रिटेन फ्रांस सी से है चाइना ए से है आपका अमेरिका और ये आर है ना आर से हो जाएगा आपका रशिया ये पांच में ये पांच परमानेंट कंट्रीज हैं इसकी तो हुआ क्या था कि एक टाइम पे चाइना काफी खिलाफ था यूएसए के और यूएसए काफ़ी खिलाफ था चाइना के जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन है ठीक है माओ जोडांग उस समय थे चाइना के प्रेसिडेंट तो उस समय क्योंकि यूएसए चाइना के ख़िलाफ़ था तो यूएसए ने बोला कि हम चाइना को हटा के आपको ऑफर कर रहे हैं अगर आप आना चाहें तो बट नेहरू जी ने मना कर दिया कि हम चाइना के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे ये आई थिंक नाइनटीन का जो वॉर हुआ था ना उससे पहले का ही इनको ऑफर मिला था कि हम चाइना को uh, मतलब चाइना को आप हटा के हमको रखेंगे मतलब आप हम पे फूड डालना चाहते हैं हम दोनों लोगों के बीच में और वो अभी हम नहीं उस चीज़ को कर सकते हैं नहीं तो हमारा चाइना को हम अपना दुश्मन नहीं बना सकते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था नेहरू जी ने लेकिन चाइना ने वही दगाबाजी करी माओजोंग नाइनटीन सिक्सटी क्या हुआ नाइनटीन में चाइना इंडिया वॉर हुआ ठीक है और चाइना अपनी हरकत से बाज़ नहीं आया तो चाइना ही है क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूँ है क्या इसमें यह है कि अगर कोई भी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनना है परमानेंट सीट चाहिए तो जितने पांचों के पांच मेंबर हैं जब एग्री करेंगे तभी होगा एग्री से मतलब है कि अगर एक भी डिसएग्री कर गया तो वो मेंबर नहीं कोई भी दूसरा परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता है ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका रशिया सब चाहते हैं इंडिया बने परमानेंट मेंबर लेकिन यह है एक जो टांग अड़ा के रखी हुई है एक भी अगर वीटो का यूज कर लेगा नेगेटिव पावर का तो वो नहीं बन पाएगा फिर मेंबर और ये बोलता है कि पाकिस्तान अगर बनाना है तो फिर पाकिस्तान को भी साथ में बनाओ ठीक है वो अपनी राजनीति खेल रहा है चाइना नॉन परमानेंट अगर बात करें दस होते हैं इंडिया आठ बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा इसका एट टाइम्स में ठीक है इसको फर्स्ट जनवरी को लेटेस्ट जो रहा है इंडिया वो एक जनवरी दो में दो साल के लिए अपॉइंट किया जाता है ठीक है फॉर टू ईयर्स दो साल के लिए बनाया जाता है किसी को नॉन परमानेंट मेंबर तो एक जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक इंडिया रहा है इसका नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी इसके बियॉन्ड जब आपसे कुछ पूछेगा नहीं और सबसे मोस्ट नंबर ऑफ टाइम अगर पूछेगा तो जापान होगा ठीक है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अगर पूछ ले तो आंसर जापान होगा क्लियर अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा आप कुछ इसके जो यूनाइटेड नेशन के फंड्स और प्रोग्राम्स चलते रहते हैं ठीक है फंड्स एंड जो प्रोग्राम्स हैं जो या फिर हम बोल सकते हैं जो कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जैसे कि यूनेस्को, यूनिसेफ इन सब के बारे में भी देखने वाले हैं पहले यहाँ तक बता दीजिए कि, कि किसी का कोई डाउट तो नहीं है फिर हम लोग आगे बढ़ें किसी का कोई डाउट कुछ क्वेरी hmm. क्या हप्पू नीतीश लगा रखा है कमेंट में बिहार एसएससी के लिए क्या मृणाल सब भी लोग कमेंट कर रहे हैं क्या बिहार एसएससी के लिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी प्रीवियस पीडीएफ कौन सी प्रीवियस पीडीएफ नहीं टेलीग्राम पर नहीं है बैच की वीडियोस हैं तो जो लोग बैच में रोल्ड हैं उनके लिए हैं ये लाइव स्ट्रीम फ्री होता है यूट्यूब पे है ना क्लियर है okay. ओके वानी सिंह दिव्या अंजलि नेशनल अफेयर्स ओके अनाइड हो जाएंगी रात भर के लिए ठीक है फंड्स एंड प्रोग्राम्स पे आते हैं अभी सबसे पहला हम देखेंगे यूनिसेफ के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं देखना जितना नीड है उतना ही देखेंगे ठीक है यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड ठीक है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बस आपको ये पता होना चाहिए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में सॉरी चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड बोल रहा हूँ चिल्ड्रेन हाँ ठीक है या चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड ये, ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वाटर है फिर अगर हम बात करें यूनिसेफ हो गया इसके बाद देख लेते हैं यू है ठीक है या फिर यू नहीं पहले हम देखते हैं यू एन ई पी देखिए पहले बिकॉज ये यू काफी इंपॉर्टेंट है यू एन ई पी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये जो है इसको फाउंड किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने फाउंडेड बाय यू एक स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बाद ये बना था ये ठीक है स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस के बाद बना था यू इसका एक तरह से बोल सकते हैं यू ने इसको बनाया था इन द ईयर 1972 अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यू ने डब्ल्यू के साथ मिलकर यू ने डब्ल्यू एम ओ यानी कि वर्ल्ड मेटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्रिएट किया था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आई पी सी सी इंटरनेशनल इंटरनेशनल पैनल यहां पर मैं लिख देता हूं इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज चल क्यों नहीं रहा इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है तो यह बनाया था और यह आपसे पूछा भी जा चुका है एक बार एस एस सी में यू एन ई पी और डब्ल्यू एम ए ने मिलकर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था तो ये आपका बनाया था आईपीसीसी और ये क्रिएट किया था इन द ईयर नाइनटीन एट्टी एट उन्नीस सौ अट्ठासी में ठीक है यूनिसेफ अगर बात करें तो वही सेम आप लिख सकते हो इसका नाइनटीन फोर्टी सिक्स में क्रिएट हुआ था क्लियर है यहां तक आगे बढ़ें <laughs> हाँ वो भी अभी देखेंगे रुक जाओ सबर करो थोड़ा सा है ना एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे अब देख लेते हैं एक इसी का एजेंसी यूनाइटेड नेशन यू एन एफ पी है ठीक है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसको बोलते हैं ठीक है वैसे लिखते हैं यू एन एफ पी ए है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ही और इसका हेड क्वार्टर वहीं पर है जहाँ पर यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर है तो नॉट दैट मच वो जैसे जहाँ पर है यूनिसेफ का, का है वहीं पर यू एन एफ पी ए का भी है न्यूयॉर्क में है ठीक है और अब कौन सा देख लें चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ पे एक सेकंड रुको यू एन ई पी क्यों ना यू एन ई पी के साथ ही हम लोग कुछ मल्टी लेट्रल एनवायरमेंट एग्रीमेंट हुए थे उनको भी ना देख लें यहाँ पे ठीक है चलिए उनको भी देख लेते हैं बाद में यू एन एफ पी ए वगैरह सब देखते हैं ठीक है ज़्यादा सही रहेगा और हाँ यू एन ई पी का हेड क्वार्टर कहाँ पर ध्यान रखना यू एन ई पी का हेड क्वार्टर है आपका इसका हेड क्वार्टर है नैरोबी कैनिया में ठीक है नैरोबी केन्या में इसका हेडकोर्टर है ये जो यू संस्था है यू एन ई यहाँ पर चलो इसको मैं हटाई देता हूँ यू जो है ये होस्ट करता है आपके कुछ एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं आई थिंक टोटल नाइन है हाँ टोटल नाइन मल्टी लेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एक तो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉ बायोडाइवर्सिटी ठीक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको शॉर्ट में सीबीडी बोलते हैं डाइवर्सिटी ये जो सी है ये निकल के सामने आया था रियो समिट में रियो रियोडीजेरियो सिटी है आपको पता है ब्राजील में वहां पे। तो रियो समिट जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं इन द ईयर नाइनटीन सॉरी इसी रियो समिट में ही दो एक तरह से हम बोल सकते हैं एक नगोया प्रोटोकॉल दो प्रोटोकॉल सामने निकल के आए थे नगोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है वो भी देख लीजिए ठीक है नगोया और कार्टेजिना, नगोया इट इज रिलेटेड टू एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज यानी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो सभी कंट्री को अवेलेबल हों उससे संबंधित है ये और आपको बस की वर्ड याद रखना है ये जेनेटिक रिसोर्सेज अगर नगोया प्रोटोकॉल के बारे में कभी पूछेगा तो जेनेटिक रिसोर्सेज की वर्ड पक्का देगा काटेजिना प्रोटोकॉल आपका इट इज ऑल्सो रिलेड टू हम बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं और जो हजारोस केमिकल्स होते हैं उनसे संबंधित है ये आपका कौन काटेजिना प्रोटोकॉल नगोया बात करें कहाँ है जापान में और काटेजिना कहाँ पर है काटेजिना आपका हिंट देता हूँ मैं आपको वो ये इसी कंट्री उस कंट्री में जिसका नाम खुद सी से ही स्टार्ट होता है बताइए जरा गेस करिए तो एक हमने अभी एक ऑर्गेनाइजेशन देखा जो कि है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दूसरा देखते हैं अभी ठीक है दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है साइट्स इसका नाम आपने सुना होगा शायद साइट्स साइट्स का फुल फॉर्म क्या है तो साइट्स का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज पूरा अगर बात करें तो स्पीसीज क्या गया है ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा फिर फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा क्या होता है फ्लोरा होता है पेड़ पौधे यानी प्लांट्स ठीक है फोना क्या होता है फोना होता है एनिमल्स ठीक है तो ये उनका एक उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल मतलब बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है कन्वेंशन एक कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना इसके अगर सेक्रेटेरिएट की बात करें किसका सेक्रेटेरिएट कहां पे है तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जेनेवा स्विट्जरलैंड में बहुत आपके अभी हम एक करके देखेंगे इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1963 1963 में स्टैब्लिश किया गया था इसको ठीक तीसरा है हमारा तीसरा है कन्वेंशन ऑन ठीक है कन्वेंशन और ये चीज ध्यान रखना साइट्स में जो है ना 1963 में एक आयू सी एन करके संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि हमें पता है नहीं पता है तो इसको भी नोट करिए कि आपकी रेड लिस्ट जारी करती है एक रेड लिस्ट क्या होती है जहां पे ये और को पेड़ पौधे और जीव जीव जंतुओं को एक कैटेगरी में रखता है कि ये वलरेबल है ये एंडेंजर्ड है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं कि मतलब वो कितने डेंजर में वो पूरी लिस्ट बनाता है आई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो उसी की एक समिट हुई थी उन्नीस में जिसमें कि साइट्स को क्रिएट किया गया था तीसरा हमारा संस्था है ये आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ठीक है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज चौथा संस्था है हमारा वियना कन्वेंशन या फिर चौथा संस्था तो नहीं बोलना सही रहेगा कन्वेंशन हम देख रहे हैं ठीक है वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ठीक है इट इज रिगार्डिंग फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन जो कि वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था ठीक है ओजोन डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं कमेंट में बताएंगे और हुआ हुआ कब था था 1985 में हुआ था। तो ओजोन डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर 16 सितंबर को समताप मंडल यानी कि स्टॉसफियर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलेगी और ओजोन की जरा एटोमिसिटी बताइए केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि परमाणुता कितनी होगी इसकी और इसकी जो थिकनेस है वो हम किससे मेजर करते हैं डॉपसन यूनिट से तो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी तीन हो जाएगी बिकॉज ओ होता है ना ठीक है चौथा देख लिया हमने कन्वेंशन अब आते हैं पांचवें संस्थान पे दैट इज सॉरी इस बार बार में संस्थान निकल जाता है हूं कन्वेंशन ठीक मिनी मिनी है मिनीमाटा कन्वेंशन मिनीमाटा जगह कहां पड़ती है गेस करना चाहेगा तो मिनीमाटा आपका पड़ता है जापान में तो वहां पे ये कन्वेंशन हुआ था मिनीमाटा कन्वेंशन जो कि है रिगार्डिंग दी मरकरी तो जो मरकरी पॉइजनिंग है उससे बचने के लिए ये आपका संस्था है तो एम से मिनीमाटा और एम से मरकरी याद रखना है छठा है हमारा बासल कन्वेंशन ठीक है बासेल ये मैं आपको बासेल आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी बताया था अगर आपको याद आ रहा हो कुछ कहां पे पढ़ता है जरा बताइए जहां पे इंटर बता दूंगा फुल फॉर्म तो फिर आप आ, फिर आप गेस कर लोगे तो अभी नहीं पहले बताओ तो ये जो बासल कन्वेंशन है इट इज रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ बाउंड्री मूवमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडोस वेस्ट ये है क्या वो मैं आपको समझाता हूँ होता है क्या जो इकोनॉमिकली गरीब देश हैं जैसे कि खासकर हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ का जो हज़ारडस वेस्ट होता है काफ़ी ख़तरनाक वेस्ट होता है चाहे टेक्नोलॉजिकल हो गया फिर कैसा भी हो गया नहीं उल्टा मैं बता गया जो अमीर देश होते हैं तो उनका जो हजारडस वेस्ट होता है जैसे कि टेक्नोलॉजिकल वेस्ट हो गया और भी बहुत सारे तरह के वेस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं डंप कर देते हैं जो इकोनॉमिकली गरीब देश हैं वो पैसे के चक्कर में उस वेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं कि ज़मीन तो खाली पड़ी है इंपोर्ट कर ले लेकिन उसके काफ़ी गलत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं खासकर उन गरीब देशों में ठीक है जैसे कि कई सारी बीमारियां निकल के आती हैं जैसे कि मान लो कि किसी चीज़ में मरकरी है ठीक है मरकरी का वेस्ट इन्होंने इम्पोर्ट करवा लिया अब मरकरी धीरे धीरे इन्हें तो पता नहीं ग्राउंड वाटर में जा रहा है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए बासल स्विट्जरलैंड में जगह पड़ती वहाँ पर कन्वेशन हुआ था तो बासल एक कन्वेंशन है बैंकिंग से भी रिलेटेड जहां पे बासल में स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है और जो इंडिया भी कन्वेंशन साइन uh, कर रखा है और बासल कन्वेंशन ये इससे भी संबंधित है ठीक है सेवेंथ हमारा यहाँ पे स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस कहाँ है ये स्टॉक होम ये किस कंट्री की कैपिटल सिटी है उस कंट्री का नाम भी इससे चालू होता है तो स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस इज रिगार्डिंग दी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ये जैसे आजाडस वेस्ट हो गया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हो गया ये कीवर्ड आपको फॉर श्योर sure देखने को मिलेंगे अगर इनके बारे में पूछेगा तो पॉल्यूटेंट एट्थ तो स्टॉक हूं मैं आपकी स्वीडन की कैपिटल ठीक है स्वीडन की राजधानी है एट्थ अगर बात करें तो ये है आपका रॉटर कन्वेंशन रॉटर कॉन्फ्रेंस ठीक है रॉटर डैम रॉटर डैम जरा गेस करिए हिंट देता हूँ मैं आपको ये जिस भी कंट्री की है वो कंट्री वर्ल्ड कप में खेल रही है ठीक है लेकिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है ठीक है तो रोटर डैम कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये भी आपकी हज़ारडोस जो केमिकल्स होते हैं ना उन्हीं से संबंधित है हज़ारडोस केमिकल्स रोटर डैम आपको पड़ता है नदरलैंड में ठीक है नदरलैंड में पड़ता है तो ये टोटल आठ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन जिनके सेक्रेटेरिएट यू uh, जो है होस्ट करता है ठीक है अभी आते हैं ये हमारे आठ हो गए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है होलैंड अच्छा होलैंड नेदरलैंड बिल्कुल सही है प्रताप सिंह से, 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 से सेंटर स्कीम से करवा दो स्कीम इसमें कहाँ हो पाएंगे यार अभी रुक जाओ अभी तो रुको तो तुम पूरा लेक्चर होने तो दो फिर बोलना कि सर और करवा दो है ना मच्छर आ गए साउथ अफ्रीका को हराया था पाकिस्तान से तो अच्छा खेली अच्छा जो वो एक और मैच है ना एफ, उसका साउथ अफ्रीका का अफगानिस्तान से पिछला वाला मैच अफगानिस्तान का है भगवान मतलब वन साइडेड मैच था वन साइडेड मैच जीतती अफगानिस्तान और वन साइडेड दे बैठी ऑस्ट्रेलिया को ठीक है मतलब एक लल्लू सा कैच छोड़ दिया भाई साहब ने मैक्सवेल का मतलब दो कैच छूटे थे और एक तो एकदम ही लल्लू सा कैच था खैर मैच को साइड में रखते हैं ठीक है और अगले ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ठीक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसका हेडक्वार्टर बस आपको पता होने की जरूरत है दैट इज रोम इटली रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है फिर है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन फूड अभी हम G7 G20 जी ट्वेंटी एस सी ओ सार्क बीम स्टेक सब देखेंगे ठीक है चिंता ना करिए जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके हेडक्वाटर की अगर बात करें तो ये भी रोम इटली में है यानी कि अगर आपको खाना खाना है फूड फूड तो रोम इटली जाना होगा आपको बट ये जो क्रिएट हुआ था नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ अगर पूछ ले तो क्यूबेक कैनेडा में मैं फिर से बोल रहा हूँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हेडकोर्टर याद रखिएगा बस वो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब वही हम बता रहे वही हम लोग देख रहे हैं कि यूनाइट नेशनस के तहत जो हमारे एजेंसीज हैं उनको ठीक है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी अगर हम बात करें तो ये शिकागो कन्वेंशन के थ्रू क्रिएट हुआ था इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियाल इसका हेड क्वार्टर है अभी मुझे याद आया ठीक ठीक इसमें नवा भी नोट करो मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल ठीक है मॉन्ट्रियाल वही मैं सोच रहा था शायद नो है शायद नौ है ठीक है मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल ठीक है ये मैंने आपको आई थिंक पहले भी इसके रिगार्डिंग बताया होगा जब ओजोन की चर्चा हम लोगों ने जोग्राफी में करी होगी कि जो मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियाल

तो नाइन और हाँ कब हुआ था ये मैंने आपको बताया था हाँ सिक्सटीन सेप्टेम्बर को हुआ था जिस दिन हम ओजोन डे मनाते हैं इसीलिए बिकॉज उसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें 2016 में कि गाली जो कि जगह पड़ती है रोन्डा देश अफ्रीका में वहाँ पे पड़ती जगह 2016 में अमेंडमेंट हुआ था हुआ क्या कि सी को तो लिमिट कर दिया हमने लेकिन इनका ऑल्टरनेटिव भी हमने खोज निकाला हाइड्रो मतलब हमने क्या मतलब जो कंपनीज वगैरह हैं तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करने लगी ये भी ओजोन लेयर को खतरा पहुँचाते हैं तो अमेंडमेंट करके इसमें ये ऐड किया गया कि एच एफ भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो मॉन्ट्रियाल में ही इसका हेडक्वाटर है सॉरी हाँ इसका हेडक्वाटर है मॉन्ट्रियाल में ठीक है मोंट्रियाल कैनाडे में और इसको शिकागो कन्वेंशन के थ्रू क्रिएट किया गया था शिकागो कन्वेंशन क्लियर ये भी हो गया हमारा अब आ जाते हैं अगले पे एंड दैट इज इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अब अगर हमें फूड खाना है खाना खाना है तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना होगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो अगर खाना खाना है तो एग्रीकल्चर डेवलप करना होगा और खाने वाले सारे हेडक्वार्टर रोम इटली में तो ये भी रोम इटली में होगा फिर ठीक है ये भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है रोम इटली में क्रिएट 1977 में हुआ था एंड अगेन रिपीट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ कि कब क्रिएट हुआ था बट देख लो थोड़ा सा ठीक है फिर हम बात कर लें आई एलो मैं बता चुका हूँ अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब क्रिएट हुआ था वही नाइनटीन नाइनटीन में जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुई थी उसके थ्रू क्रिएट हुआ था नाइनटीन में ठीक है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जो हुई थी उसके थ्रू ही क्रिएट हुआ था हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फिर अब मैं अगर बात करूं आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक तो ये क्या मुझे फिर से पढ़ाने की जरूरत है क्यों बिकॉज हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी ठीक है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में वहाँ पे क्रिएट हुए थे 1944 में कॉन्फ्रेंस हुई थी लेकिन दोनों स्टैब्लिश हुए थे आपके अगर स्टब्लिशिंग ईयर पूछेगा तो 1945 फोर्टी और वहाँ पे मैंने आपको आईएमएफ के बारे में इकोनॉमिक्स में डिटेल में बताया था कि इसकी करेंसी होती है एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसमें पांच तरह की करेंसी से मिल बना हुआ है ठीक है कंट्रीज़ अपने यहाँ पे एस के फॉर्म में रिजर्व्स रखते हैं जब उनको जरूरत पड़ती है जैसे कि हमारा पाकिस्तान है उसको रोज़ ज़रूरत पड़ती रहती है है ना तो वो रोज़ जाता रहता है आई के पास तो आई बेल आउट करता है यानी कि उसको कुछ हेल्प करता है ठीक है तो आई के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ चुके हैं और वर्ल्ड बैंक के संबंध में भी तो वर्ल्ड बैंक में ये चीज़ ध्यान रखना कि ये पाँच ऑर्गेनाइजेशन से मिल बना हुआ है ठीक है पांच ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना हुआ है अभी तक तो रिसेंट में कोई ऐसे क्वेश्चन बना नहीं कि वह तो बताओ कौन कौन सा से ऑर्गेनाइजेशन है तो इस वजह से मैं फालतू में आपका लोड नहीं बढ़ाऊंगा बस याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक में पांच ऑर्गेनाइजेशन है पांच ऑर्गेनाइजेशन से, से मिलकर बना हुआ है बाकी तो हम इकोनॉमिक्स में देख ही चुके हैं इसके संबंध में अब हम आ जाते हैं अगले पे और अगला कौन सा आईलो भी हो गया ये भी हो गया आईमो है हाँ आई एम ओ आई एम ओ मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल मैरी टाइम अच्छा हम नेशनल मैरी टाइम डे कब मनाते हैं पाँच अप्रैल को और इंटरनेशनल वाला कब मनाते हैं जरा कॉमेंट बताओ तो इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वाटर अगर बात करें तो ये है आपका लंडन यूके में लंडन यूनाइटेड किंगडम में ठीक है अच्छा एक गाना बना हुआ है ना लंडन से लाइंग लंडन से लाइंग अब हो सकता है मैंने बताया अभी आपको पहले कि बैच में मतलब होता क्या था जब ये मतलब बैच में अभी तो आप लोगों की क्योंकि क्लास यूट्यूब पर मैं करवा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं आपको गाने वाने सुना नहीं सकता हूं नहीं तो कापी राइट स्ट्राइक आ जाएगा एक बार सुनाया भी था तो आ गया था कापी राइट स्ट्राइक लेकिन जब जैसे सिर्फ एप्लीकेशन पे जब मैं क्लास लेता था तो वहाँ पे मतलब दूसरे एग्जाम के लिए सी वगैरह के लिए तो वहाँ पे मैं गाने सुनाता था, था लास्ट में ना ऐसे मोटिवेश मोटिवेशनल सॉन्ग या फिर किसी भी तरह का तो काफ़ी दिनों से लड़के बोले सर एक गाना सर सुनाइए काफ़ी मोटिवेश मोटिवेटिंग गाना है मोटिवेशनल गाना है लंडन से लाएँगे लंडन से लाएंगे तो मतलब काफ़ी दिनों तक बोलते रहे मैंने थोड़ा सा इग्नोर करता रहा कौन सा गाना मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ लंडन से लाएंगे वैसे तो मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रखें फिर जब मैंने देखा सच तब मुझे पता चला वो कितना मोटिवेशनल सॉन्ग है ठीक है तो आई हो गया हमारा यहाँ पर अब आ जाते हैं आई इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ठीक है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेश ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ना क्योंकि यूनेस्को uh, यूनिसेफ ये तो सबको पता रहते हैं ठीक है तो वो थोड़े से कम चांसेस होते हैं पूछे जाने के तो टेली कम्युनि कम्युनिकेशन uh, यूनियन ठीक है तो इसकी अगर हम बात करें तो 1865 में क्रिएट हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन है क्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जहाँ पे इन इन दोनों का तो वाशिंगटन डीसी में है ठीक है वाशिंगटन डीसी में इनका क्वार्टर है और आई की अगर बात करें तो इसका भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जेनेवा स्विट्जरलैंड में आई एल ओ डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू टी ओ अभी हम डब्ल्यू टी ओ भी देखेंगे इन सब के हेडक्वाटर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ध्यान रखिएगा जो भी इंटरनेशनल से शुरू हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन और से ख़त्म हो रहा है उसका ऑर्गनाइज उसका हेडक्वाटर जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा एक्सेप्ट वन और वो है हमारा इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू तो इंटरनेशनल से हो रहा है खत्म भी ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है लेकिन लेकिन उसका हेडक्वाटर लंडन यूके में और जो शुरू वर्ल्ड से हो रहा है और ख़त्म भी ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है उसका भी हेडक्वार्टर जेनवा स्विट्जरलैंड में ही होगा ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रखना है इसमें ठीक है जो शुरू वर्ल्ड और ख़त्म ऑर्गेनाइजेशन से पे कोई है नहीं है चलो कोई नहीं अभी आगे आएंगे तो आई भी हो गया आपका और आई टी यू अच्छा यूनेस्को युने, तो किया ही नहीं अभी यहीं पर लिखते हैं क्या देखो जरा यूनिसेफ चलो जगह नहीं है चलो यहीं पर लिख देते हैं यूनेस्को यूनेस्को इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये क्रिएट हुआ था वही आपका 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में जहां पे आपके अगले ओलंपिक्स भी खेले जाएंगे अब आ जाते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पेटेज ये सबको पता होते हैं यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह तो यूनिडो यूनिडो क्या है हमारा यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी अगर हम बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में जहाँ पे वियना कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर यूनिडो हो गया और 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 डब्ल्यू एच ओ ठीक है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से शो है ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो रहा है कहाँ होगा हेड क्वार्टर जनवा स्विट्जरलैंड में होगा और हम डेज में देख चुके हैं हेल्थ डे कब मनाते हैं हेल्थ डे मनाते हैं सात अप्रैल को क्योंकि सात अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को नाइन्टीन फोर्टी एट को क्रिएट हुआ था डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसमें आपको एक आ, वो मिलेगा सांप लो इसके लोगों में ऐसे सांप लपटा हुआ मिलेगा क्यों वो किसको दर्शाता है वो डॉक्टर को दर्शाता है ठीक है आई थिंक ये अभी मैं के देख रहा था तो उसमें पूछा भी गया था कि कौन से इनमें से ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है उसमें एक स्नेक लपटा हुआ है ठीक है स्नेक है सांप है तो वो आपका और उसमें भी आपका मतलब जैतून की पत्तियाँ जो ऑलिव की लीव्स हैं वो भी हैं लेकिन बीच में क्या है एक स्नेक है उसमें ठीक है चलिए अभी आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू एच ओ भी हो गया और कौन सा बचा है हमारा यूनिडो भी हो गया ट्रेड वाला बच गया अभी हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट देता हूं यूनाइटेड नेशन आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसको स्टैब्लिश किया गया था बाई यू एनजीटी फोर एंड अगेन इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है ठीक है क्रिएट हुआ था स्टैब्लिश हुआ था इन दर नाइनटीन सिक्सटी फोर उन्नीस सौ चौसठ में बाई दूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अगले पे आ जाते हैं बस आपके आई थिंक तीन चार और बाकी है ठीक है यू एन ओ डी सी फिर हम उसके बाद सार्क बीम टेक इन सबको देखेंगे तो यू एन ये है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ये स्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1997 और इसका हेडक्वार्टर है अगेन इन द वियना ऑस्ट्रिया ठीक है ऑस्ट्रिया अगले पे आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन नहीं ह्यूमन नहीं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज ठीक है यूएनएचसीआर ठीक है इसको मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं यहां पे हाई कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में अब चलो नहीं तो होगा तो बाद में यहाँ पे लिखवा दूंगा एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए है वो बाद में हम लोग लिख लेंगे ठीक है फिर आप लिखिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन सॉ ऑन नहीं होगा फॉर एशिया एंड पैसिफिक तो हो जाएगा आपका यू एन स्कैप यूनाइटेड नेशन में लिख नहीं रहा हूँ काफ़ी लंबा सा है लिख, लिखना है इसको यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन सॉरी ऑन नहीं फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है इसके हेडक्वार्टर की बात करें क्योंकि अब एशिया यहां पे आ गया तो एशिया की कोई कंट्री होगी और वो है हमारा बैंकॉक जो कि कहाँ पड़ता है थाईलैंड में ठीक है थाईलैंड बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है एक और यहां पर ऑर्गेनाइजेशन लिखी है दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं आई ए ई ए इम्पॉर्टेंट है ये ये कब इस्टैब्लिश हुआ था ये भी याद रखना इसमें तो आप ठीक है 1957 1957 में इस्टैब्लिश हुआ था और इसके हेडक्वाटर की बात करें तो इसका हेड कोर्टर है वियना ऑस्ट्रिया में तो वियना एन ऑस्ट्रिया में भी काफ़ी सारे हमने हेड क्वार्टर देखे जैसे अभी इसका आई आई का देखा यू एन का नहीं ड्रग्स एंड क्राइम वाले का भी हेड क्वार्टर देखा वहाँ पे यूएन ऑस्ट्रिया में यूनिडो यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में देखा ठीक है ये सारे आपके हेड क्वार्टर यहीं पर हैं फिर एक और लास्ट लिख लीजिए दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है क्यों क्योंकि ये भी वर्ल्ड से शुरू हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो रहा है तो इसका भी हेडक्वार्टर जो भी वर्ल्ड से शुरू हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो रहा है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही होगा ठीक है अब बस एक आखिरी लिख लीजिए और वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी शुरू हो रहा वर्ल्ड से खत्म हो रहा ऑर्गेनाइजेशन से तो इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर होगा इसका भी हेड क्वार्टर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं इससे संबंधित है इसमें हमें काफ़ी चीज़ें पढ़नी है ध्यान से इसको देखिएगा बिकॉज इससे रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी में बाई दी मराकेश एग्रीमेंट ठीक है मराकेश ये कहाँ पड़ता है मराकेश कोई बताना चाहेगा

मैंने बता दिया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ टैरिफ क्या होता है जब कोई कंट्री इम्पोर्ट करती है किसी किसी भी सामान को गुड्स को तो उसमें टैरिफ लगाती है जो टैक्स लगाता है उसको हम बोलते हैं टैरिफ ठीक है tariff, और जो जी ए डबल टी संस्था है इसकी टोटल ट्वेंटी थ्री कंट्रीज मेंबर थी अभी मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछा गया है आपसे ठीक है अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको देखने मिले तो तेईस देश इसके मेंबर्स रहे थे जी ए डबल टी के ठीक है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ये कब इस्टैब्लिश हुआ था ये 1948 फोर्टी एट में प्रेजेंट टाइम में जो डब्ल्यू डब्ल्यू टी ओ की डीजी हैं वो एक फ़ीमेल हैं और पहली फीमेल भी हैं ये इनका नाम है नगोज़ी ओकोंजो ओकॉन्जो इवियला ठीक है और हेड क्वार्टर तो मैंने बता दिया जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है और कुछ और कुछ और कुछ, और कुछ. नहीं और कुछ नहीं इसमें इतना ही चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है और मराकेश मैंने पूछा था आपसे मराकेश किस कंट्री में पड़ता है तो ये आपका मोरक्को देश में पड़ता है मोरक्को ठीक है मोरक्को देश में पड़ता है और अच्छा ये बताइए जो नगोज़ी ओ कॉन्जो ईएवेला है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं जैसे हमारे एंटोनियो गुटेरेस पॉर्चुगल से बिलोंग करते हैं तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं तो ये मूलतः नाइजीरिया निवासी हैं नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं ठीक है और करंट में डी जी है डब्ल्यू टी ओ की तो हमारे यहाँ पे डब्ल्यू टी ओ मतलब ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होते हैं और अभी हम देखेंगे जैसे सार्क बीम्स टेक ये सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पता है यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है Uh, सर मेरा डेली पुलिस सिक्का एग्ज़ाम कानपुर में है रुकने की जगह है क्या नहीं भाई हमारे पास तो नहीं है इनके वर्क से क्या ही पूछेगा अब ट्रेड में तुम्हें पता है कि जो ट्रेड को रेगुलेट करने का काम होता है डब्ल्यू का ट्रेड को रेगुलेट करता है अब इसमें तो अब जैसे सी डी एस वगैरह के लिए मैं पढ़ा था, तो थोड़ा और डीप में पढ़ा था इसमें डिफरेंट तरह के ब्लू बॉक्सेज होते हैं ब्लू बॉक्स अंबर बॉक्स ये सब वो सब की ज़रूरत नहीं है ठीक है एटॉमिक एनर्जी तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं बना और बनेगा भी तो आप आराम से कर लोगे उसके लिए हमें पूरे फंक्शन जानने की जरूरत नहीं है ठीक है अभी आते हैं सार्क सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं यहाँ पे सार्क ठीक है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन फुल फॉर्म तो शायद नहीं पूछता लेकिन चलो फिर भी मैं लिख देता हूं यहां पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन ये इसका फुल फॉर्म है ये स्टैब्लिश कहां पर हुआ था हेडक्वाटर कहां पर दोनों अलग जगह है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस्टब्लिश्ड इन ढाका बांग्लादेश जो ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल वही बांग्लादेश जो एक टाइम पर बड़ा नागिन डांस किया करता था <laughs> रहीम शाकिब अल्सन और अभी हालत ख़स्ता हो हो पर रखी है तो इसी ऐसे ज़्यादा बोलते हैं वो छलना नहीं चाहिए है ना इंडिया को हरा के और नागिश नागिन डांस कर रहे थे फिर श्रीलंका ने इनको एक बार हरा के नागिन डांस किया था और अभी फिर श्रीलंका के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी खैर इस्टैब्लिश इन ढाका बांग्लादेश इन 1985 1985 में इस्टैब्लिश हुआ था ये ठीक है डेट तो नहीं पूछता है बट फिर भी अगर पूछ ले तो आठ दिसंबर को और अगर ये पूछ ले कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई तो फर्स्ट मीटिंग भी इसका यहीं पर हुआ है ना यही फर्स्ट मीटिंग में इसको क्रिएट किया गया और इसके हेडकोार्टर की बात करें तो ये हमारा काठमांडू नेपाल में काठमांडू नेपाल में इसका हेडकोटर है और अभी अगर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ की अगर बात करें तो आठ मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके आठ सदस्य देश हैं इस और नौ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं ऑब्जर्वर कंट्रीज़ ठीक है आठ सदस्य हैं अब इसके एट मेंबर कंट्रीज़ हम देख लेते हैं ट्रिक इसको याद करने की क्या ट्रिक है है ना तो इसकी ट्रिक ये है कि एम के कुछ छात्र छात्राएँ हैं एम के कुछ छात्र छात्राएँ हैं जो टी वी आई देख रहे हैं क्या देख रहे हैं टीवी पे आईपीएल तो एम से हो जाएगा हमारा मलेशिया ठीक है ध्यान ये रखना है कि म्यांमार नहीं है ठीक है एम में मलेशिया म्यांमार नहीं है ये बी से है यहाँ पे हमारा बर्म सॉरी 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 बी से तो एक भूटान हो जाएगा यहाँ पे आपका नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं एक सेकंड रुको एम <laughs> भूटान नहीं होगा इसका ना ना भूटान नहीं होगा ब्रूने होगा ठीक है बिकॉज तो साउथ एशिया की हम बात कर रहे हैं जो भूटान होगा वो बिमस्टेक का मेम्बर होगा हम यहाँ पे आपका मेंबर होगा ब्रूने करके जो देश है ब्रूने होगा और यहाँ से बी से कर लो बर्मा बर्मा आपका एक्चुअली कोई और नहीं ही है तो यहाँ पे मलेशिया भी और म्यांमार भी है ठीक है दोनों हैं बट म्यांमार के लिए हमने बर्मा बर्मा पुराना नाम है किसका म्यांमार का ठीक है और अगर हम बात करें एस से यहाँ पे हो जाएगा सिंगापुर ठीक है सिंगापुर टी से हो जाएगा ठीक है हाँ टी से हो जाएगा यहाँ पे थाईलैंड वी से हो जाएगा वियतनाम ठीक है अच्छा बताओ वियतनाम में शिफ्टिंग को किस नाम से जानते हैं वी हो गया आई से हो जाएगा आपका इंडोनेशिया ठीक है इंडोनेशिया हो जाएगा आपका और पी से हो जाएगा आपका किसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी एक सेकंड रुको चलो इसमें मैं अभी आपको कंट्रीज़ बता देता हूँ लेकिन मैंने ट्रिक आपको ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन की बता दी है रुको ठीक है यहाँ पर हम लिख लेते हैं वही मैं सोच रहा हूँ इंडिया बाकी कंट्रीज़ नहीं है मैंने ट्रिक से एक्चुअली में याद रखा मेरे मैं खुद ही कन्फ्यूज़ कर गया इस ट्रिक में ठीक है खैर कोई नहीं यहाँ पर मैं पहले कंट्रीज़ लिख देता हूँ ठीक है पहले मैं कंट्रीज लिख देता हूँ उसके बाद मैं बता दूँगा ये आपके ये कंट्रीज सार्क की कंट्रीज़ नहीं है सार्क एक आठ कंट्रीज़ में लिखता हूँ यहाँ पे सार्क है आपके अफग़ानिस्तान ठीक है ट्रिक ज़्यादा ट्रिक याद करने का साइड इफेक्ट है शादी है, है ना अफग़ानिस्तान बांग्लादेश ठीक है भूटान इंडिया ने, आ, नेपाल भी हो जाएगा इसमें आपका पाकिस्तान नहीं हुआ ना पाकिस्तान एक दो तीन चार पाँच श्रीलंका, एक और कोई कंट्री बच रहा है अफगानिस्तान हो गया बांग्लादेश हो गया भूटान हो गया इंडिया हो गया मालदीवस मालदीव्स ठीक है तो ये कंट्रीज़ हैं हमारे रियली सॉरी फॉर दैट ये आपके मेंबर कंट्रीज़ हैं किसके सार्क है साउथ एशिया में जो कंट्रीज आती हैं ठीक है ये सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं आपकी बाकी अभी ये जो यहाँ पे जो हमने देखी थी वो एक्चुअली में आसियान की हैं ठीक है थीके? अभी आसियान को भी देखेंगे तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे कि ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान है ना बिकॉज म्यांमार इसमें नहीं है भाई मुझे लग रहा था म्यांमार नहीं है ठीक है बीस है तो बर्मा है तब मुझे याद आया कि ये ट्रिक तो मैंने किसी और के लिए बनाई थी ठीक है ये जो है आपकी ये है आपकी इसमें ध्यान रखना कि म्यामार नहीं है इसमें इसमें मालदीव से आपका ठीक है मालदीव से नहीं मालदीव से म्यांमार नहीं है अभी आ जाते हैं इस पे आसियान पे बिकॉज अभी हमने ट्रिक देख ली है तो क्यों ना आसियान भी लगे हाँ देख लें एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ठीक है आसियान इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो ये इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में ठीक है जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेड क्वार्टर है फुल फॉर्म शायद ही पूछे है ना फिर भी लिख देता हूं यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका इंडिया मेंबर नहीं है ठीक है इसका इंडिया मेंबर कंट्री नहीं है ठीक है ये है इसकी मेंबर कंट्रीज यहां पे मैं लिख देता हूं मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान ठीक है मेंबर कंट्रीज़ ऑफ आसियान और ये हमारे सार की कंट्रीज़ तो सार के यू पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने भी हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि बचपन में जो हमने एम पढ़ा था चाइना को अगर हटा दीजिए तो बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल भूटान अफगानिस्तान ठीक है और ये सारे कंट्रीज़ के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं और श्रीलंका भी हमारे पास में ये नीचे जस्ट और मालदीव्स भी हमारे नीचे हमने देखा था कि एट डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मालदीव्स को अलग करता है पाक स्टेट जो है अलग करता है श्रीलंका को इंडिया से तो ये हम लोग सारे कंट्रीज़ के लिए आई होप ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए नहीं तो फिर इसी तरह आप कन्फ्यूज़ होंगे जैसे यहाँ पे अभी मैं कन्फ्यूज़ हुआ वो तो मैं सारी कंट्रीज़ लगा मुझे कि यहाँ पर इंडिया तो आ ही नहीं रहा है पाकिस्तान है नेपाल है ठीक है तो ये आपकी आसियान की मेम्बर कंट्रीज़ हैं ठीक है अभी आ जाते हैं अगला ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं दैट इज़ जिसका इंडिया मेम्बर है वो है बीम अगली स्लाइड पर लिख लेते हैं बीमस्टेक बीम स्टेक की मेंबर कंट्रीज याद रखना बड़ा आसान है लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव ठीक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इसका हेडक्वार्टर तो बता दिए ना मैंने, हाँ जिक इंडोनेशिया में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ठीक है इकोनॉमिक कोऑर्पोरेशन ये इसका हेड uh, इसका फुल फॉर्म है बीमस्टेक का इसके हेड क्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है ढाका बांग्लादेश जहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था सार्क जहाँ पे सार्क स्टैब्लिश हुआ था वहाँ हेड क्वार्टर है बीमस्टेक का ढाका बांग्लादेश में ठीक है और ये क्रिएट कब हुआ था इस्टैब्लिश कब हुआ था इन द ईयर नाइनटीन नाइन्टी में ठीक बीमस्टेक हो गया और इसके मेंबर कंट्रीज़ देख लेते हैं कैसे याद करने हैं तो यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए ज़रा बीमस्टेक को ठीक है बीमस्टेक तो ऐसे याद कर लो बी से भूटान ठीक है आई से इंडिया जो भी मेनली बे ऑफ बंगाल वाली कंट्रीज़ हैं वैसे तो भूटान का कोई बे ऑफ बंगाल से अगर हम देखें तो कोस्टल बाउंड्री बनाती नहीं बट फिर भी ये मेम्बर है एम से हो जाएगा यहाँ पर आपका म्यांमार ठीक है म्यांमार एस से हो जाएगा आपका श्रीलंका ठीक है श्री लंका टी से हो जाएगा थाईलैंड और अब देखिए यहाँ पे आपको ई और सी दिख रहा है तो ऐसे समझ ऐसे इमेजिन कर लीजिए ठीक है ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे जो ई और सी है ठीक है सॉरी यहाँ पे तो ऐसे कर लो ऐसे कर लो इसको वैसे भूटान इसका मेंबर है लेकिन यहाँ पे इसको बांग्लादेश कर लो क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बाकी जो हमारी दो कंट्रीज़ है ना ऐसे इमेजिन कर लो कि ई की जगह ये जो ई e और सी इसकी जगह दो कंट्रीज हैं वो है नेपाल और भूटान और दोनों ही बॉर्डरिंग अगर हम देखें पास में ही है बॉर्डरिंग तो नहीं है बट पास में ही है काफ़ी है ना तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं कि नेपाल और भूटान बाकी कंट्रीज़ तो हम इसके उससे याद हो गए बांग्लादेश है ना इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड और बच गए नेपाल और भूटान जो दोनों पास में ही इंडिया के अगर हम देखें तो सिक्किम बीच में इन दोनों के नेपाल और भूटान के है ना तो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि बीम स्टेक्स बीम बी आई एम एस टी से तो सारी कंट्रीज हो गई और इसी की जगह आप नेपाल और भूटान को ऐड कर लीजिए जो तो बीमस्टेक की कंट्रीज हो जाएंगी ठीक है अभी आ जाते हैं इंडिया एक और ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो कि जिसको अभी इंडिया ने होस्ट भी किया था दैट इज एस सी ओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक ये एस सी यू की अगर हम बात करें तो ये इसको स्टैब्लिश किया था चाइना और रशिया ने मिलकर स्टैब्लिश्ड बाई चाइना एंड रशिया इन द ईयर 2001, 2001 में इसको स्टैब्लिश किया था इंडिया इसका मेंबर तो है लेकिन इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था ध्यान रखना जब ये बना था 2001 में तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वाटर या फिर इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग चाइना में है कहाँ पर इसका सेक्रेटेरिएट बीजिंग चाइना में शांघाई में नहीं है ध्यान रखना बिकॉज इसका नाम तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है इसकी एक संस्था है जिसको बोलते हैं रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसका फुल फॉर्म है क्या फुल फॉर्म है इसका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसका जो हेडक्वार्टर है इस रैट्स का ताशकंद में उजबेकिस्तान में ध्यान रखना इसी की ही एक संस्था है बट इस ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है राइट्स का वो ताशकंद उजबेकिस्तान में है ठीक अब बात आती है इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है तो इंडिया इसका मेंबर कब बना और इसके टोटल कितने मेंबर हैं तो टोटल इसमें नौ देश इसके सदस्य हैं अभी आठ हुआ करते थे बट अभी लेटेस्ट में ही ईरान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है तो नौ हो गए हैं इसमें टोटल मेंबर आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा बेलारूस भी ज्वाइन करने वाला है इसको ठीक है तो नाइन कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो हम यहां पे देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक देख लीजिए तो मौज हो गई <laughs> बड़ी वाली काफी है ना तो ट्रिक है इसकी ट्रक से ट्रिक इसकी ट्रक से है ठीक है ट्रक और ट्रक में क्या कर दो ट्रक में ट्रक में पिक्की पिक्की करो ठीक है ट्रैक में ट्रक से किसी को पिक कर रहे हो तुम ठीक है तो टी से है यहाँ पे तजिकिस्तान ठीक है तजिकिस्तान आर से है रशिया यू से है उज्बेकिस्तान ठीक है उज्बेकिस्तान सी से नो डाउट चाइना होगा के से कर्गिस्तान है ध्यान रखना कज़ाकिस्तान नहीं है ये है किर्गिस्तान कजाकिस्तान नहीं होगा इसमें ठीक है हाँ कजाकिस्तान नहीं है उजबेकिस्तान है कर्गिस्तान है उज्बेकिस्तान करगिस्तान और तजिकिस्तान पी से है हमारा पाकिस्तान आई से है इंडिया ठीक है के से है यहाँ पे अच्छा अच्छा ठीक है यहाँ से के से हो ये आपका कजाकिस्तान हो जाएगा ठीक कजाकिस्तान भी है इसमें ठीक है कजाकिस्तान भी है कजाकिस्तान और आई से यहाँ ईरान तो ईरान सबसे लेटेस्ट मेंबर है इसका ठीक है ईरान इज़ दी लेटेस्ट मेंबर ठीक है लेटेस्ट मेंबर अभी 2023 में ही ज्वाइन किया है बेलारूस ने भी ज्वाइन नहीं किया ध्यान रखना करेगा अभी ठीक है इंडिया और पाकिस्तान इसको एक साथ ज्वाइन किया था इन द ईयर 2017 2017 में जो दोनों ने ज्वाइन किया था ठीक है इसको तो एससीओ से इतना ही क्वेश्चन बनेंगे और इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी CEO की समिट इंडिया ही इसको होस्ट किया था इसलिए इंपॉर्टेंट है ठीक आसियान हो गया हम लोगों का अच्छा जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक देखा था ब्रिटेन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से जो क्रिएट हुआ था आई के साथ वैसे ही हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है ए हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे कि वो क्या है वर्ल्ड बैंक वो लोन वगैरह देता है कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए ये एशियन कंट्रीज पे मेनली फोकस रखता है अब एशियन कंट्रीज पे फोकस रखता है दैट मीन कि इसमें सिर्फ एशियन कंट्रीज ही मेंबर हैं जिन लोगों ने निट्टो के लेक्चर देखे होंगे जो मैंने मेंस के वगैरह के लिए लिए थे तो उसमें एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था एक स्टेटमेंट बना था कि ओनली एशियन कंट्रीज़ आर इट्स मेंबर यूपीएससी का क्वेश्चन था वो सिविल सर्विसेज का तो ओनली वर्ड लगा था गलत हो गया था क्यों क्योंकि ठीक है एशिया नाम में है लेकिन ऐसा अगर एक भी यूरोप की या फिर किसी और कॉन्टिनेंट की कंट्री पार्ट हो जाएगी इसका अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ठीक है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में अगर बात करें टोटल अड़सठ देश इसका सदस्य हैं सिक्सटी कंट्रीज हैं इसमें ठीक है तो उतना कंट्री वगैरह तो नहीं पूछेगा बट हाँ इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर इसका फिलिपींस में है कहाँ पे फिलीपींस फिलिपींस फिलिपींस में एक जगह पड़ती है मंडल लॉन्ग करके अजीब सा नाम है मंडल योंग ठीक है यहाँ पे इसके जो है क्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का और क्रिएट या फिर स्टैब्लिश कब हुआ था ये स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स उन्नीस सौ छाछठ में तो ये सारे हम लोगों ने देख ली अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं यूरोप की तरफ थोड़ा सा चलते हैं ठीक है यूरोपियन यूनियन को देखते हैं यूरोपियन यूनियन को थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो जो ईयू है जिसको इन शॉर्ट ईयू बोलते हैं ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था वो स्टैब्लिश इन द ईयर एक जनवरी को उन्नीस में नाइनटीन में ये क्रिएट हुआ था एक ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ रोम उसके थ्रू इसको क्रिएट किया गया था ट्रीटी ऑफ रोम के थ्रू टोटल अगर इसमें सदस्यों की बात करें मेंबर कंट्रीज़ की बात करें मेंबर्स तो इसमें टोटल 27 है पहले 28 हुआ करते थे लेकिन ब्रिटेन इससे निकल चुका है तो अभी 27 देश इसके मेंबर हैं मेंबर कंट्रीज़ हैं ठीक है ठीके? और इसका हेड क्वार्टर ठीक है 27 है और आपको पता होगा कि ब्रिटेन एग्जिट कर चुका है ब्रेगज़िट हो चुका इसको है इसको हम ब्रेग्जिट बोलते हैं जहाँ पे ब्रिटेन ने एग्ज़िट लिया ठीक है और कब एग्ज़िट लिया ये बताइए जरा कमेंट में जल्दी से और और एक चीज हाँ ध्यान रखना इसमें कि इसको 2012 में नोबेल भी मिला था अभी चलो नीचे लिख देंगे इसको लेकिन इसका में है ठीक है बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और इसको 2012 में नोबेल प्राइज भी मिला था ठीक है यूरोपियन यूनियन का एक यूरो जोन होता है यूरो जोन क्या है ये यूरो जोन में वो कंट्रीज आती हैं जो कि यूरो को एडॉप्ट करती हैं एज अ करेंसी अपने यहाँ पे वो यूरो को करेंसी एडॉप्ट करती हैं उनको यूरोजोन बोलते हैं ठीक इसमें टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आ, 20 देश होंगे आपके 20 कंट्रीज होंगे और लेटेस्ट अभी आपका आ रहा है लेटेस्ट जो बना है वो क्रोएशिया बना है क्रोएशिया टोटल 20 देश हैं इसमें यूरोपियन यूनियन में सत्ताईस हैं यूरोजोन में बीस हैं यानी कि सात ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यू जो यूरोपियन यूनियन का तो हिस्सा हैं लेकिन यूरो जोन का नहीं है नहीं वो यूरो को अपने यहाँ करेंसी नहीं चलाती हैं बल्कि किसी और को चलाती हैं जैसे क्रोएशिया पहले इसके यहाँ एक क्रोना करके करेंसी हुआ करती थी क्रोना उसको चलाया करते थे लेकिन उसको हटा के अभी यूरो को इसने एक्सेप्ट कर लिया क्लियर और ये जो यूरो जोन है ये दो हज़ार दो में क्रिएट हुआ था ठीक है और जो ब्रेगज़िट है ये हुआ था ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी में अब आ जाते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है गेस करिए वो कौन सा हेडक्वार्टर जिसकी वजह से इतना बवाल मच रखा है रशिया और यूक्रेन के बीच में ननद नेटो है ना अब नेटो की वजह से क्यों बवाल मच रखा है उसको भी अभी देखेंगे नॉर्थ मैं लिख रहा हूं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है नेटो किया ये फुल फॉर्म होता है नेटो की अगर बात करें तो ये क्रिएट या फिर स्टैब्लिश ही एक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी हुई थी इन द ईयर इन द ईयर 1949 उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको क्रिएट किया गया था नेटो में अगर हम बात करें 31 मेंबर कंट्रीज हैं 31 देश हैं जो इसके सदस्य हैं 31 वन उनतीस ट्वेंटी है आपके यूरोपियन ट्वेंटी नहीं यहाँ पे होंगे आपके इसको यहाँ पे कर लीजिए ट्वेंटी सेवन तो आपके यूरोपियन यूनियन वाले हो गए और बाकी के जो चार हैं बाकी के चार में से दो तो आपके हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और दो हैं आपके यूरोपियन कंट्रीज खैर इतना डीप में तो नहीं पूछेगा बस इतना ध्यान रखना इकतीस मेंबर कंट्रीज हैं और लेटेस्ट फिनलैंड है ठीक इस है इसमें से जो लेटेस्ट है ना वो फिनलैंड है लेटेस्ट फिनलैंड है और आगे आपको जल्दी देखने को मिलेगा कि स्वीडन भी इसका देश बन चुका होगा अभी नहीं ठीक है अब बात आती यूक्रेन इसका हिस्सा है कि नहीं अब बात ये भी आती है कि क्यों यूक्रेन और रशिया में वॉर छिड़ा हुआ इसके लोके बिकॉज इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि नेटो के किसी भी सदस्य में हमला मतलब सारे मेंबर कंट्रीज पे हमला होगा तो यानी अगर जैसे नहीं होता है कि नेटो आपको इसको ऐसे समझो कि अगर तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाया होता ना गुट गुटबाजी चलती थी स्कूल में अगर आपको याद हो कि अगर तुमने मेरे ग्रुप के बंदे पे हाथ उठाया तो मतलब तुमने ग्रुप पे हमला कर दिया तो सारे ग्रुप के मेंबर जो हैं उस पर जाके वो लड़ेंगे लेकिन अमेरिका वो दोगला दोस्त है जो बोलता तो है हाँ अगर किसी से भाई ने मेरे पे हाथ उठाया ना तो मैं देख लेना फिर किसी को छोड़ूंगा नहीं लेकिन जब एक्चुअल में हेल्प करने की बारी आती है तो पीछे हट जाता है तो वैसा टाइप ऑफ अमेरिका अमेरिका पे तो खैर कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए किसी भी कंट्री को और ये काफ़ी कंट्रीज़ को पता भी है है ना उसका काम ही है लड़वा के अपना माल बेचना ठीक है माल मतलब जो इसल होता है जो आम सेनेमिनेशनस होते हैं उनको बेचना ठीक है जैसे मिडिल ईस्ट हो गया और यहाँ पे रशिया यूक्रेन हो गया तो एक्चुअल में यूक्रेन को इन लोगों ने बोला है कि यू अब है वही जैसे मैंने आपको बताया इसमें ये प्रोविजन है तो रशिया और यूएस के बीच में ये समझौता हुआ था कि नेटो को तुम हमारे यहाँ तक नहीं लाओगे नेटो को अपने समय मतलब अपने वहीं तक सीमित रखना यूरोप नॉर्थ अमेरिका तक यहाँ मत आना लेकिन अभी वो बॉर्डर तक आ चुका है रशिया के कैसे वो यूक्रेन को बोल रहा है कि आप भी मेंबरशिप ले लो और यूक्रेन भी ईगर है ज्वाइन करने को नेटो को तो रशिया ने बोला बेटा नहीं ज्वाइन करना वो बोलता नहीं करेंगे तो बोलता करेंगे पुतिन बोलता अभी तुमको करवाते हैं तो वो मेन है तो भले वो युद्ध देखने में ठीक है नो डाउट युद्ध नहीं होना चाहिए युद्ध देखने में हो सकता लग रहा हो कि ये रशिया कितना है ना कितना ालिम हो रखा है यूक्रेन में लेकिन रशिया के भी हैं वो क्यों वो कर रहा है क्योंकि उसकी सॉवरनेटी संप्रभुता तो संप्रभुता को खतरा पहुंचेगा ना उसके बॉर्डर तक यूएस जो उसका राइवल कंट्री वो पहुंच जाएगा यही काम अगर रशिया करने लगे ना तो यूएस बौखला जाएगा और यूएस ना जाने क्या क्या कर डालेगा अगर रशिया उनके बॉर्डर तक पहुंचने लगे ठीक है वैसे तो अलास्का जो है यू का पार्ट है वो कभी रशिया का हुआ करता था और वो रशिया की एक खुद अपनी बड़ी भूल मानता है लेकिन खैर तो ये मेन है जिसकी वजह से यह वॉर हो रहा है दोनों के बीच में नेटो की वजह से और नेटो का भी हेड क्वार्टर जो है ना वो तो यूक्रेन अभी इसका मेंबर नहीं है ठीक है यूक्रेन मेंबर नहीं है अभी इसका हेड क्वार्टर अगर बात करें ब्रूसेल्स बेल्जियम में है ब्रूसेल्स बेल्जियम में इसका हेड क्वार्टर है ठीक है अब आ जाते हैं एक और हम ये तो सारे ठीक है वैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ऐसे ही हमने एक क्रिएट किया है मतलब टू बी प्राउड ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस बस आपके दो ऑर्गेनाइजेशन है जी ट्वेंटी और जी सेवन देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ठीक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इसको हम इंडियंस ने क्रिएट किया है पीएम मोदी जी जो है पी एम मोदी जी ने यह कॉन्सेप्ट रखा था ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन में वेम्बले स्टेडियम में इन्होंने इसके बारे में अनाउंस किया था वेम्बले स्टेडियम जो कि पढ़ता है कहां पर यूनाइटेड किंगडम में ठीक है और इसको लॉन्च किया गया था लॉन्च किया था हमने फ्रांस के साथ मिलके इन द इंडिया अफ्रीका समिट जो इंडिया अफ्रीका समिट हुई थी वहां पे, ठीक है और मराकेश में मोरक्को में फिर सब लोगों ने इस पे साइन किए थे तकरीबन अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो 120 से भी ज्यादा इसके मेंबर कंट्रीज हैं ठीक है मेंबर्स की अगर हम बात करें तो टोटल 120 से भी ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया अफ्रीका समिट में इसको लॉन्च किया गया था ठीक है प्रेजेंट टाइम में इसके डीजी की बात करें डायरेक्टर जनरल तो ये अजय माथुर साहब हैं अजय माथुर और इसके हेडक्वार्टर की बात करें ये गुरुग्राम हरियाणा में है कहां पे गुरुग्राम हरियाणा और ये चीज ध्यान रखना कि इसको हमने फ्रांस के साथ मिलकर लॉन्च किया था ठीक है और इसमें एक्चुअल में जब ये स्पीच uh, दिया था ना मोदी जी ने तो कंट्रीज़ को जो वो कंट्रीज़ जो ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन के बीच में है बिकॉज हमें पता है जोग्राफी हम पढ़ चुके हैं कि आ, ये कर्क रेखा जो कि होता है साढ़े तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा यानी कि साढ़े तेईस डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर कर्क रेखा और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा जो सन की डायरेक्ट रेज हैं है ना उन वो इन्हीं दोनों के बीच में पड़ती है तो सन एक्चुअल में जो अपनी इंसोलेशन है इनकमिंग सोलर रेडिएशन वो ज्यादातर इन्हीं एरियाज में देता है और इसको हम किस नाम से जानते हैं जोग्राफी में टॉरिड जोन जरा कॉमेंट बताइए ये आ, ये आपका जो ये वाला एरिया है दैट इज 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ दैट इज नॉर्थ पोल तक और 66 सिक्स एंड हाफ डिग्री साउथ से लेके साउथ पोल तक इसको क्या बोलते हैं तो ये जोन इन जो कंट्रीज़ हैं इनको सूर्यपुत्र बोला कि इन कंट्रीज़ के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सोलर का यूज़ करके एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं ठीक है और इन ये जो होता है इस जोन को बोलते हम फ्रिजिड जोन है ना इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन और यहीं पे हमें आई टी देखने को मिलता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन क्यों बोलते हैं इसको आई टी आई जरा बताइए डोलड्रम बिकॉज यहाँ पे काम कंडीशन होती है इसको डोलड्रम बोलते हैं आई इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे नॉर्थ ईस्टरलीज एंड जो साउथ ईस्टरलीज हैं वो दोनों आके मिलती हैं इसलिए खैर इंटरनेशनल सोलर अलायंस आई होप आपका क्लियर है ठीक है अभी आई होप वॉइस प्रॉपर आ रही होगी तो ये क्लियर हो गया हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भी हमने समझ लिया अब आ जाते हैं थोड़ा सा जी ट्वेंटी के बारे में पढ़ लेते हैं व्हाट इज जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी इज ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज बीस देशों का समूह बीस देश कौन से हैं एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अभी ट्वेंटी वन हो चुका है क्यों ये पहले बात तो क्रिएट कब हुआ था इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर नाइनटीन नाइनटीन इसमें नाइनटीन कंट्रीज हैं उन्नीस देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है प्लस अब अफ्रीकन यूनियन भी इसका सदस्य बन चुका है हमें यह देखना है कि कौन सी 19 कंट्रीज हैं तो अगर देखा जाए तो टोटल 21 लोग हो गए 19 देश एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन 19 देश कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं अर्जेंटीना नहीं तो भूल जाएंगे फिर है ना अर्जेंटीना अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो बोलने का चांस नहीं रहेगा अर्जेंटीना इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है आपका ए से बी से गेस करो कौन कौन सी कंट्रीज होंगी ब्राज़ील होगी हमारी होगी कि नहीं होगी ब्राज़ील ठीक है और बी से और कौन सी बी से अब कोई कंट्री नहीं है सी से कौन सी कंट्री हो जाएगी खालिस्तान कनाडा सी से चाइना मतलब सबसे बड़ा ग्रुप है ये मतलब ऑलमोस्ट ऐसा मान सकते हो ठीक है यू यु, यू के बाद चाइना हो गया आपका इसके बाद डी से तो नहीं है ई e से भी नहीं है एफ़ से एफ से फ्रांस हो जाएगा ठीक है फ्रांस और कोई और कोई नहीं है जी से जी से जर्मनी होगा आपका ठीक है जर्मनी एच से तो कोई कंट्री नहीं है आई से हमारा प्यारा भारत देश इंडिया आई से इंडोनेशिया भी हो जाएगा आपका इंडो नेशिया आई से इटली भी हो जाएगा इटली और आई से और कोई है नहीं है आई के बाद जे जे से जापान जे के बाद के के से तो कोई कंट्री नहीं है के एल एल से भी नहीं है एम एम से मेक्सिको, ठीक है मेक्सिको, एन से नहीं है ओ पी क्यू आर 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 से है रशिया ठीक है आर से आ जाएगी फिर रशिया एस से हो जाएगी साउथ कोरिया ठीक है साउथ कोरिया कितनी हो गई गिन लेते हैं एक बार एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह यानी पाँच और हैं अभी ठीक है तो साउथ कोरिया हो गई इस आर एस, एस से आपका एक और होगा सऊदी अरेबिया ठीक है सऊदी अरेबिया चार बची ठीक है एक हो जाएगा आपका यूके एक हो जाएगा आपका यूएसए ठीक है एक बार गिन लेते हैं उन्नीस हो जानी चाहिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सत्रह हुई हैं कौन सी मिस कर दी मेक्सिको भी हो गई जापान भी हो गई इटली भी हो गई न, 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 कोई गेस कर सकता है कौन सी दो कंट्रीज हमने मिस कर दी हैं <laughs> ओके 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 इसके बाद टी तो हमने गिना ही नहीं ठीक है टी से हो जाएगा हमारा यहाँ पे तुर्की है ठीक है एक कंट्री हो गई एक और बाकी रह गई है एक बार फिर से देख लेते हैं जर्मनी देखिए नॉर्थ कोरिया तो है नहीं इसका हम्म ऐसे एक और यहीं पे दो छूट गए बिल्कुल यहीं पे दो छूट गए साउथ अफ्रीका भी तो होगा और साउथ अफ्रीका से याद आया मुझे एक बेसिक ग्रुप भी होता है अभी इसको भी डिस्कस करेंगे ठीक है साउथ अफ्रीका ठीक है तुर्की है जो पहले टर्की के नाम से जाना जाता था अभी उसका नाम तुर्की है ठीक है और यहाँ पे एक हो जाएगी हमारी यूके और एक हो जाएगी यूएसए ठीक है तो ये टोटल 19 कंट्रीज हो गए हमारे जी में ई है और ए यू यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ठीक है बेसिक ग्रुप ये एक बेसिक करके ग्रुप है बेसिक बेसिक में बी से है ब्राजील ठीक है और ए एस से है साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका ठीक है आई से है इंडिया और सी से है चाइना ये कुछ इंडस्ट्रियल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो है हमारा बेसिक ग्रुपिंग ठीक है और एक सेकेंड रुको <laughs> चलो ठीक है अभी आते हैं जी सेवन पे ग्रुप ऑफ़ सेवन पे ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है ठीक है ग्रुप ऑफ सेवन ये डेवलप्ड कंट्रीज जो नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप की हैं इसको आपको याद करना है जैसे वहाँ पर मैंने देखा था ना आ, बी एफ कार पे बैठा हुआ है बेस्ट फ्रेंड कार में बैठा हुआ है है ना जहाँ पे हमने वो यू वाला देखा था यहाँ पे ऐसे याद कर लो गर्ल जो है अब वो क्योंकि बी एफ कार में बैठा हुआ है जो जी जी ने सोचा ठीक है कि गुड फ्रेंड ने सोचा कि चलो हम क्यों ना जूस पी लेते हैं तो जी से यहां पे जर्मनी ठीक है जी से जर्मनी है एफ से फ्रांस है <coughs> सॉरी जे से जापान है यू से यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आई से इटली है सी से कनेडा <laughs> पंजाब में लोग कनाडा नहीं बोलते हैं कनेडा बोलते हैं कनेडा जाएगा हमारा लड़का ठीक है इंग्लैंड कौन कौन है पंजाब से और पंजाब से एक अभी रिजल्ट आने दीजिए हैं टॉपर एक उनके आई थिंक थ्री फोर्टी प्लस ही मार्क्स बन रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली टॉप एट्टी में आपको देखने को मिलेंगे खैर तो जर्मनी फ्रांस जापान यूएसए इटली कैनेडा और इंग्लैंड तो ये कंट्रीज हमारी इसकी मेम्बर है जी सेवन के और जी सेवन की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश कब हुआ था ये एस्टेब्लिस हुआ था आपका इन द ईयर 1973 1973 और सौ जी ट्वेंटी वाला इसलिए भी इंपॉर्टेंट uh, हो जाता है ध्यान रखना बिकॉज आपको पता है है कि G20 हमने इस बार वाला होस्ट किया है। अगला वाला जो नेक्स्ट जी ट्वेंटी है वो कौन होस्ट करेगा जल्दी से कॉमेंट में आप बताएंगे इस बार की जी ट्वेंटी की हमारी थीम क्या थी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम होल होल अर्थ इज अ फैमिली वसुधैव कुटुंबकम ये हमने किस उपनिषद से लिया था जरा ये बताएंगे कमेंट में ये मैंने आपको ये भी बता रखा है नहीं नहीं अभी तो नहीं पड़ी। लेकिन जो को हमने लिया है महा उपनिषद से।, से लिया है और नेक्स्ट वाला होस्ट करेगा ब्राजील ठीक लूला, सिल्वा, हाँ। लूला जी लूला जी लालू जी के भाई है ना चलो तो यहाँ पे हमारे होते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन खत्म मोस्टली जो इंपॉर्टेंट वाले हैं सारे खत्म हो गए अभी हम करेंगे क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन भाई खुल जाओ सिम सिम चलो देखो तो बैटरी भी ऑलमोस्ट खत्म होने आई है चार्जिंग लगा देते हैं <sweak> <laughs> <klari> <laughs> <hung> करो क्वेश्चन ये वाला तो यह कोहिला क्वेश्चन क्या है गट गट से क्वेश्चन करो जल्दी से जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वॉज स्टैब्लिश इन दियर नाइनटीन फोटी एट विद डैश कंट्रीज एज जब बताओ पूरा पढ़ने की जरूरत है नहीं सीधे आंसर मारो आगे बढ़ो क्लास की पीपीटी जिन लोगों ने बैच में नुल कर रखा उनको मिलेगी अब मुझे पता है तुमको कि भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ भेदभाव नहीं आपके साथ हम फेवर कर रहे हैं ठीक है थीके? इस क्लास को लाइव करके बिकॉज ये बैच की वीडियोस हैं तो पीपीटी इसके मतलब ये तो पीपीटी तो मिलेगी प्लस नोट्स भी बाकायदा मिलेंगे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है जो लोग बैच में ठीक है तो आप नोट्स मत बनाइएगा आपको मिल जाएंगे बिकॉज जैसे सब सारे लेक्चर्स के आपको मिले हैं आंसर ट्वेंटी थ्री ऑप्शन नंबर बी और जो लोग बैच चाह रहे हैं कि लेंगे और नए बैच का वेट कर रहे हैं तो अभी मत फिर लेना अगर लेना चाह रहे हो तो है ना अगर रिकॉर्डेड लेना है तो अभी वाला करंट वाला रनिंग वाला ले सकते हो बाकी अगर आपको लाइव लेना है तो अभी रुक जाओ चौदह तारीख वाले अनाउंसमेंट को सुन लेना फोर्टीनथ नवंबर को क्या होता है चिल्ड्रेंस डे होता है डायबिटीज डे होता है और स्पेशल अनाउंसमेंट होता है उस दिन ठीक है तो स्पेशल अनाउंसमेंट होगा वहाँ पर स्पेशल अनाउंसमेंट में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होगा है ना डैश कंट्रीज देख सकते हैं 2000, 20. पिछला वाला किसमें पूछा गया था सीपीओ दो हज़ार बाईस है ना तो ये हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था गट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ नाइन एट विच ऑर्गेशन वॉज क्रिएटेड इन नाइन एटी एट बाई दब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू एन ईपी दट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम टू एस एस दी साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्रिएट हुआ था जिसको क्रिएट किया था डब्ल्यू एम ओ और यू एन ई पी ने वही केन्या है? है ना नेहरू केन्या में है अब अगर हम बात करें वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ सिग्नेटरी टू साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑन वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा साइट्स जिसको की ने क्रिएट किया था आई की कॉन्फ्रेंस में यह आपका क्रिएट हुआ था और इंडिया इसका जो है इंडिया इसका मेम्बर बना था फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट जब हमने किया था 1976 में ठीक इस तरह से याद कर लीजिए साउथ एशियन और नोट्स जो बना रहे हैं प्लीज नोट्स में वहीं पे छोटा से इस, इसको ऐड करेंगे कि इंडिया कब बना सिग्नेटरी है ना सार्क चार्टर एट द फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ इन द ईयर एट्टी तो मैंने कहता कि पहला समिट सार्क का कहाँ पे हुआ ढाका बांग्लादेश में हुआ हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में ठीक वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन देखिए हॉकी वाले फेडरेशन हॉकी फीफा ये सब हम लोग स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में करेंगे तो वैसे अगर देख लेते हैं यहां पर हॉकी का कहां पे हॉकी का है स्विट्जरलैंड में ठीक है नेपाल और भूटान में तो होंगे नहीं है ना लौसान स्विट्जरलैंड जहाँ पे आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी क्या है हेड क्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का और स्विट्जरलैंड uh, में ही हेड क्वार्टर है किसका चलो वहाँ पे नोट्स जो बना रहे हैं वो उस चीज़ को नोट करना आई जो होता ना, Nature, है ना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका हेड क्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ठीक है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इस चीज़ को वहाँ पर नोट करिएगा और जो फीफा है मैं इसको मत नोट करना बिकॉज वहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले में देख लेंगे मतलब जब स्पोर्ट्स वाले देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जीव रिच में है ऐसे याद, याद करो कि रिच लोग फीफा खेलते हैं वेर इज दी क्वार्टर ऑफ दी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड विश्व बैडमिंटन महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है मलेशिया जापान सिंगापुर या फिर स्विट्जरलैंड मलेशिया सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेश्स रिलीजेज दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नंबर में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स निकालता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनसेड कॉर्नल यूनिवर्सिटी वीपो दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यू एनडीपी डब्ल्यू तो सही आंसर होगा यहां पे ये यह। वीपो जो है इन दोनों के साथ मिलकर निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है अब वर्ल्ड शुरू में है ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा जरा बताओ जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन सिचुएटेड टेबल टेनिस का फेडरेशन कहाँ पे सिचुएटेड है दैट इज़ आई का हेड क्वार्टर का हेडक्वाटर कहाँ पे सिचुएटेड है तो ऑप्शन हैं आपके जापान थाईलैंड इंग्लैंड या फिर स्विट्जरलैंड तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के लौसाने में ही इसका क्वार्टर है जहाँ पे आपका किसका है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है और आपका इसका हॉकी का भी है ठीक है चलिए आगे बढ़ें चलिए अगला क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस आफ्टर रैटिफाइंग द यूएन चार्टर इन तो इंडिया ने यूएन चार्टर को कब रैटिफाई किया था ये आपसे पूछ रहा है सर डब्ल्यूफ कोडक्टर डब्ल्यू एफ को मैंने नहीं लिखवाया था क्या चलो इसका भी नोट कर लो हाँ इसका तो मैंने नहीं नहीं लिखवाया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो जो नोट्स में आ रहे हैं प्लीज इसको नोट्स में ऐड करेंगे वहां पर इसका हेडक्वार्टर है लॉग्नी स्विट्जरलैंड में ठीक है स्विट्जरलैंड में भी इसका भी है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आई एन कोलोग स्विट्जरलैंड में डब्ल्यू एफ का लोसाने स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और हॉकी का और ठीक है और ज, और जिनेवा स्विट्जरलैंड में तो इतने सारे हमने देखा है स्विट्जरलैंड में कि, किसका है स्विट्जरलैंड में है आपका फीफा का और बासेल स्विट्जरलैंड में है इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन तो स्विट्जरलैंड भरा पड़ा है ठेका ले रखा है स्विट्जरलैंड ने सबका हेडक्वाटर क्रिएट करने का है ना इंडिया ये हो गया ना इंडिया इसका आंसर होगा आपका इंडिया ने कब रेटिफाई किया था अक्टूबर 1945 ऑप्शन नंबर सी 1945 में तो किया था लेकिन किस मंथ में अक्टूबर में द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यू एफ पी इज़ दूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन इसका हेडक्वाटर कहाँ पर है कहां पे? तो खाना हम कहाँ पर खा रहे थे फूड कहाँ खा रहे थे फूड हम खा रहे थे रोम इटली में है ना चलिए हाउ मनी नॉन परमानेंट मेंबर डज द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल हैव यूनएस में कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये आपका एम टी एस में क्वेश्चन पूछा गया दो हज़ार उन्नीस में तो पाँच परमानेंट होते हैं पांच परमानेंट हमने याद किए थे किस तरह से जल्दी से बताएंगे सभी लोग पांच परमानेंट वो मेम्बर कौन कौन से हमारे और दस नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और इन दस नॉन परमानेंट मेंबर को हर दो साल के लिए अपॉइंट किया जाता है इंडिया आठ बार मेंबर बन चुका है लेटेस्ट टाइम दो हज़ार इक्कीस में बना था ठीक है एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विथ विच और देखो मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल रहा था लेकिन भूल गया बताना तुम्हें है ना चलो अभी देख लेंगे तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये आपका ह्यूमन राइट right से संबंधित है बिल्कुल सही है सभी का ठीक है तो ये आपका ह्यूमन राइट right से संबंधित ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री हाउसेज दी हेडक्वार्टर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वजन और माप ब्यूरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछ रहा है ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रिया सर बता तो दिया अभी पीछे कलॉग्नी स्विट्जरलैंड में ठीक तो है तो द इंटरनेशनल हेड क्वार्टर ऑफ क्या पूछा था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर का हेडक्वार्टर कहां ऑस्ट्रिया बेल्जियम स्विट्जरलैंड फ्रांस स्विट्जरलैंड में तो नहीं है ना सेवरेस में पड़ता है ये फ्रांस में ठीक है सेवरेस्ट जगह पड़ती है फ्रांस में रुक यार जरा थोड़ा सा पानी पीते हैं काफी गले में दिक्कतें हो रही हैं इस टाइम कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है ना नाक जाम गला जाम विच अमंग्स फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ बेसिक ग्रुप देखिए बेसिक ग्रुप जो हम लोग लास्ट में चर्चा कर रहे थे उसी से क्वेश्चन पूछ लिया कौन मेंबर नहीं है <coughs> बड़ा अजीब सा लग रहा है गले में जैसे अभी खांसी अब हो ही जाएगी ब्राज़ील साउथ अफ्रीका इंडिया और चाइना साउथ अफ्रीका भी इंडिया भी ब्राज़ील भी ऑस्ट्रेलिया नहीं ठीक है ऑप्शन नंबर डी द यू एन ओ वॉज स्टेबलिश्ड ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव विद डेलीगेट्स फ्राम तो डेलीगेट्स कितने कंट्रीजे थे पचास कर लो चाहे इक्यावन कर लो बात एक ही ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है ट्रिम्स विच आर द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग ट्रिम्स तो ट्रिम्स ये क्वेश्चन स्किप कर दो बिकॉज एस एस में भी नहीं पूछा है वैसे आंसर तो इसका देखो देख ले देख सी होगा बहुत दो दोनों ही सही है लेकिन आपको इसको लोड लेने की जरूरत नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है वैसे है क्या ये फुल फॉर्म अगर पूछ ले कभी तो ट्रेड रिलेटेड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ठीक है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसका फुल फॉर्म है एटीनथ हेड क्वार्टर यूनेस्को का कहाँ पे यूनेस्को का सब जानते हैं पेरिस फ्रांस कहाँ है पेरिस ये रहा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका है यू UN का यूनिसेफ का इन विच कंट्री बस दो तीन क्वेश्चन और बाकी हैं बस अगर मैं चार क्वेश्चन से ज्यादा करवाऊँ तुमको ठीक है तो फिर तुम मत रुकना भाग जाना तुम दौड़ लगा के ठीक Uh, दो पैग लगा लो सर गुनगुने पानी से अच्छा आपू सिंह इन विच द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? मलेशिया थाईलैंड इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस? तो वर्ल्ड बैंक का तो वॉशिंगटन डीसी में है लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि 1966 में क्रिएट हुआ था फिलीपींस में इसका क्वार्टर ऑप्शन नंबर डी वेयर इज दी हेड ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो अगर कोई भी इंटरनेशनल से शुरू हो, 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 हो रहा है ऑर्गनाइजेशन पर खत्म हो रहा है वर्ल्ड पे खत्म हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है वह शुरू हो रहा है वर्ल्ड से शुरू हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है तो आंसर जिनेवा स्विटरलैंड होगा एक्सेप्ट वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जरा बताएंगे कॉमेंट में वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है डब्ल्यू का अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला है विच इज द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच इनमें से कौन सा सही मैच है सर ये क्लास प्राइवेट मत करना नहीं अब तो करेंगे ये क्लास ठीक है रात भर रहेगी ठीक है रात भर या तो तुम वो कर लो या फिर तुम क्लास देख लो वो से मेरा मतलब है सेल्फ स्टडी ये तो तुम सेल्फ स्टडी कर लो या फिर ये लेक्चर देख लो ठीक है रात भर का तुम्हारे पास अवसर है वैसे तो आधे घंटे आधे घंटे तक ही रहता है लेकिन रात भर मैं इसको पब्लिक ही रखूँगा ठीक है यूनेस्को में हमें पता है पेरिस फ्रांस में जर्मा में नहीं है इसका आई का पेरिस में नहीं आई एम का हमें पता है वाशिंगटन डी में आई लो ठीक है इसका जयवा स्विट्जरलैंड में यूनेडो का होगा वियना ऑस्ट्रिया में ठीक है एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते थे ठीक है चलो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज अपॉइंटेड सर आपका 2024 सीजन के लिए बैच कब आएगा देखिए एक तो रन रनिंग कर रहा है ठीक है रन कर रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला हिस्ट्री बची है ठीक है और अगले वाले के रिगार्डिंग आपको चौदह नवंबर को अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा ठीक है वहाँ पर हम लोग कंप्लीट जी के की स्ट्रैटेजी सब सब कुछ डिस्कस करेंगे जो लोग भी एस के एग्जाम को किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं मुझे पता है मेनली लोग सी के हैं बट सी के भी काफ़ी लोग हैं स्टेनो के बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे इस चैनल पर एम टी एस भी सी पी सारे की हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे ठीक है यू कि अगर हम बात करें सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट करता है मैंने आपको बताया था जो जनरल असेंबली है वो अपॉइंट करती है ठीक है कौन है अभी सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो ग्रेटरेस है ख़त्म हो गया अब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल के लेक्चर में देखने वाले हैं ठीक है चलिए तो अभी करंट बैच जो है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं उसमें आप अगर आपको चाहिए कि रिकॉर्डेड क्लास मिल जाए और रिकॉर्डेड सेम अपने स्पीड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो आपके लिए बेटर है बाकी अगर आपको लाइव करना है तो वेट फॉर फोर्टीन अनाउंस वहां पे सारी चीज़ें हम लोग करेंगे ठीक है चलिए भाई अलविदा सभी को और छोटी है दिवाली की क्या बोले हैप्पी छोटी दिवाली छोटी दिवाली आपकी बहुत अच्छी हो ठीक है चलो मिलते हैं कल थोड़ा सा पढ़ लेना है ना और धन्यवाद ठीक है और किसी को इच्छाएं वगैरह तो नहीं है बिहार एस एस सी का बहुत लोग तुम पूछते रहते हो तुम आप में से काफ़ी लोगते रहते हैं व्हाट्सएप पे भी तो देखो यार बिहार एस का ऐसा है ना बिहार एस जो एग्ज़ाम है तो उसके लिए जो भी पॉलिटी पढ़ पौल रहे हैं जोग्रफी जो भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी इक्वली हेल्पफुल है तो ऐसा मत सोचिए कि मैं अलग से कोई बैच बनाऊँगा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो नहीं होगा ठीक है मैं बनाने को बना सकता तो हूँ बिहार एस का अलग से और उसमें तिगड़ा बिठा के कुछ बैच बना लेकिन वो कुछ ऐसा अलग से नहीं है ठीक है बाकी आपकी मर्जी है अभी बहुत लोग ऐसे पूछा करते थे सर डीडीए के लिए जो आप हम लोग पढ़ रहे हैं वो हेल्पफुल है कि नहीं ईपीएफओ के लिए फोर्ड के आए ना लोग मैंने स्क्रीनशॉट शॉट इसी के साथ शेयर किए थे ये दिखाने के लिए आपको कि देखो हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उससे सारे एग्जाम आपको टाँग कर लोगे एस एस सी सी मैंने पहले दिन बात बोली थी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किए थे एस एस ए सी और उससे नीचे जितने भी एग्जाम हैं यहाँ तक कि लोग ऊपर के एग्ज़ाम भी फोल्ड के हैं वेस्ट बंगाल पी राजस्थान पी ये भी लोग एग्जाम फोल्ड किया है अभी आने दीजिए यू पी एस पी के द्वारा जो आर ओ का एग्जाम कन्डक्ट करवाया जाएगा उसमें भी आप देखिए कितना मचेगा सी में मच चुका है ठीक है तो वो मैं उसका गारंटी नहीं लेता हूँ बिकॉज यू ने जिस दिन लेवल बढ़ा दिया तो लेकिन जिस चीज़ का मैं गारंटी लेता हूँ तो फिर लेता हूँ बाकी तो आप पी लेवल का भी क्वेश्चन इनसे हल कर पाओगे जो हम लोगों ने जितना पॉलिटी और जिस लेवल की जोग्राफी सारी चीज़ें पढ़ी हैं मतलब ज़्यादा भी नहीं पढ़ा कम भी नहीं पढ़ा टू दी पॉइंट चीज़ें करी हैं राइट थैंक यू टू ऑल धन्यवाद सभी को मिलते हैं कल